बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइफ जी आपके साथ मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। अपडेट ये है कि तमाम वो भाई जो लंबी लंबी छोड़ते हैं कहानीबाजों के लिए, ये खासकर वीडियो है जी, चाहे वो पाकिस्तानी है, इंडियन है, चाहे बंगाली है, सऊदी अरेबिया में मुकीम है जो, क्या बात है जी। अक्सर भाई ऐसे बोल देते हैं कि किसी से सुनी सुनाई बात बोल देते हैं कि यार उधर उस बिल्डिंग में ना 5 मरीज निकले हैं इस वायरस के, मैंने उससे देखा है या उससे सुना है, यार उधर ये हो गया, यार उधर वो हो गया, यार उधर कर्फ्यू लग गया, यार उधर इतनी सख्ती हो गई है, यार कोरोना फैल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ऐसी तमाम तर अफवाहें सऊदी अरेबिया में, ये मैं आपको भाई कंफर्म करता चलूं, तमाम मेरे गैर मुल्की भाई इस चीज को भाई खास कर नोट कीजिएगा कि कोई भी किसी किस्म की ऐसी अफवाह जो इस वायरस से रिलेटेड हो आप झूठी फैलाते हैं। हाँ, अगर ज़ाते सेहत की तरफ से जो अनाउंसमेंट की जाती है रोज केसों को लेकर, कितने आज मरीज आए हैं, कितने सेहत याब हुए हैं और कितने अफराद की आज वफात हुई है, वो तो आप दूसरे के साथ शेयर कीजिए, उसमें तो कोई मसला ही नहीं है। उसके अलावा कोई भी ऐसा बंदा जो इस वायरस को लेकर गलत बातें फैलाता है, लोगों में खौफ और हिरास फैलाने की कोशिश करता है, उसके ऊपर सऊदी मुल्क की तरफ से ये अनाउंसमेंट कर दी गई है कि ऐसे बंदे को 1 साल से लेकर 5 साल तक की हम कैद करेंगे और उसके अलावा 10 लाख रियाल तक का फाइन करेंगे जी। 10,000 का नहीं, 10 लाख रियाल तक का फाइन होगा हर उस बंदे को जो इस वायरस से मुतल्लिक कोई भी किसी किस्म के झूठ या लोगों में खौफ और हिरास फैलाने की कोशिश करेगा। अगर वो पकड़ा गया तो उसे भाई 1 से 5 साल कैद और 10 लाख रियाल तक का फाइन होगा। सऊदी मुल्क की तरफ से ये एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आ रही थी जो मैंने सोचा आप भाइयों के साथ जरूर शेयर करता चलूं। इससे मुतल्लिक आपको जैसे ही कोई और न्यूज आएगी वो भी आप भाइयों के साथ वक्तन फक्तन शेयर करता रहूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी।